हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं यहाँ पे कंप्यूटर के 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ, जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ये सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें कि कंप्यूटर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले आपके क्विक रिविजन में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेन वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज। वेबसाइट का मेन पेज जो है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंटेंट पेज, बी होम पेज, सी फर्स्ट पेज, डी ब्लॉग पेज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी होम पेज। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमल सुपर की? ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेट की, बी सुपर की, सी कैंडिडेट की, डी प्राइमरी की। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी कैंडिडेट की। क्वेश्चन नंबर 3, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड ए डैश फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए नेस्टेड, बी आइटरेटिव, सी सम, डी राउंड। एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए नेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 4, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर? ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, बी पेज लेआउट, सी पेज साइज, डी पेज व्यू। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन नंबर ए एलन न्यूवेल, बी जॉर्ज बुले, सी जॉन एम सिकार्थी, डी जोसेफ जैकवर्ड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी जॉन एम सिकार्थी। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए कंप्यूटर डैश इज कैपेबल टू स्टोर अ सिंगल बाइनरी बिट। ऑप्शन नंबर ए फ्लिप फ्लॉप, बी कैपेसिटर, सी रजिस्टर, डी इंडक्टर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन नंबर 7, इन बैंकिंग रेलवेज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड? बैंकिंग एंड रेलवे में किस टाइप के कंप्यूटर जो हैं वो यूज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर्स, या मिनी कंप्यूटर्स, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, या डी पर्सनल कंप्यूटर्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 8, द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज मेजर्ड इन? ऑप्शन नंबर ए बैंडविड्थ, बी पिक्सल, सी पॉइंट्स, डी साइज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर क्रंचियर इज द इनफॉर्मल नेम फॉर? ऑप्शन नंबर ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, या डी सुपर कंप्यूटर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ ए पीसी यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस, व्हाट आर दीज लाइंस? जो मदरबोर्ड है उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल लाइंस के थ्रू जुड़े होते हैं, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंडक्टर्स, बी कनेक्टर्स, सी बसेस, डी कंसेक्यूटिव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बसेस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रोप्रोसेसर चिप? ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004, बी इंटेल 8008, सी इंटेल 8080, डी मोटोरोला 6809। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004। क्वेश्चन नंबर 12, मॉस टेक्निक इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए हम मॉस की किस टेक्निक का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रैगिंग, बी ड्रॉपिंग, सी राइट क्लिकिंग, डी शिफ्ट क्लिकिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी राइट क्लिकिंग। क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस दैट कैन जनरेट डिजिटल सिग्नल्स दैट रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ ए पेन इज नोन एज? ऑप्शन नंबर ए लाइट पेन, बी डाटा टैबलेट, सी टच पैनल, डी माउस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी डाटा टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 14,
कोड कंसिस्टिंग ऑफ लाइट एंड डार्क मार्क्स विच मे बी ऑप्टिकली रीड इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए निमोनिक, बी बार कोड, सी डिकोडर, डी ऑल ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी बार कोड. क्वेश्चन नंबर 15. मेमोरी इज मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर ए सेट ऑफ वायर्स, बी सेट ऑफ सर्किट्स, सी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डी सेट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 16. टू लोकेट ए डाटा आइटम फॉर स्टोरेज इज ऑप्शन नंबर ए फील्ड, बी फीड, सी डाटाबेस, डी फेच. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी फेच. क्वेश्चन नंबर 17. विच वन इज फास्टर एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में कौन सी सबसे ज्यादा फास्टर है. ऑप्शन नंबर ए एस रैम, बी डी रैम, सी इक्वल, डी आइदर ए और बी. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए एस रैम. क्वेश्चन नंबर 18. विच कंप्यूटर मेमोरी इज एसेंशियली एम्प्टी. ऑप्शन नंबर ए रैम, बी रोम, सी पी रोम, डी ईपी रोम. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी रोम, रीड ओनली मेमोरी. क्वेश्चन नंबर 19. कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन ऑप्शन नंबर ए बाइट्स, बी किलोबाइट्स, सी मेगाबाइट्स, डी गीगाबाइट्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी गीगाबाइट्स. क्वेश्चन नंबर 20. अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड. किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसीजर को जो है हम क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एल्गोरिदम, सी एप्लीकेशन प्रोग्राम, डी ऑल ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिदम. क्वेश्चन नंबर 21. अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म द टास्क. ऑप्शन नंबर ए एन इंस्ट्रक्शन, बी सॉफ्टवेयर, सी मेमोरी, डी अ प्रोसेसर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 22. डैश इज अ विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड इलेमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड रीअरेंजेस फाइल एंड अनयूज डिस्क स्पेस टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस. ऑप्शन नंबर ए बैकअप, बी डिस्क क्लीनअप, सी डिस्क डीफ्रेगमेंटर, डी रीस्टोर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी डिस्क डीफ्रेगमेंटर. क्वेश्चन नंबर 23. डैश इज अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऑप्शन ए सुडो कोड, बी जावा, सी जावा वर्चुअल मशीन, डी द कंपाइलर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सुडो कोड. क्वेश्चन नंबर 24. अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑप्शन ए असेंबलर, बी ऑब्जेक्ट कोड, सी कंप्यूटर, डी मशीन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट कोड. क्वेश्चन नंबर 25. द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए सॉर्टिंग, बी क्लासिफाइंग, सी रिप्रोड्यूसिंग, डी समराइजिंग. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सॉर्टिंग. क्वेश्चन नंबर 26. रेडियो वेव्स आर ऑप्शन ए ओमिनी डायरेक्शनल, बी यूनी डायरेक्शनल, सी बाई डायरेक्शनल, डी ऑल ऑफ दी अबव. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए ओमिनी डायरेक्शनल. क्वेश्चन नंबर 27. जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड ऑप्शन ए टोपोलॉजी, बी प्रोटोकॉल्स, सी मीडिया, डी लैन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए टोपोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 28. RJ11 कनेक्टर यूज्ड ऑन ऑप्शन ए टू पेयर 8 वायर हैंडसेट, बी 4 पेयर 2 वायर हैंडसेट, सी 2 पेयर 4 वायर हैंडसेट या डी 2 पेयर 2 वायर हैंडसेट. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 2 पेयर 4 वायर हैंडसेट. क्वेश्चन नंबर 29. द डाटा लिंक लेयर कैन परफॉर्म ऑप्शन ए डिटेक्शन ऑफ एरर, बी करेक्शन ऑफ एरर, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 30. द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए 22255, बी 100 टू 256, सी 0 टू 255 या डी 0 टू 256. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 0 टू 255.
और यहाँ पे जो आईपी क्लासेस की आईपी एड्रेसेस की क्लासेस है वो 5 हैं, और क्लास ए जो होती है उसकी रेंज है 0 to 127, और क्लास बी की जो रेंज है वो होती है 128 to 191, और क्लास सी की जो रेंज है वो होती है 192 to 223, और क्लास डी की जो रेंज है वो होती है 224 to 239, एंड क्लास ई जो होती है उसकी रेंज है 240 to 255 तक। और ये जो क्लास ए बी सी होती है ये होस्ट एड्रेसेस के लिए अवेलेबल होती है, और क्लास डी जो होती है ये मल्टीकास्ट के लिए होती है, और क्लास ई जो होती है ये एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी बिट्स यूज्ड इन IPv6 एड्रेसेस? ऑप्शन ए 128 बिट, बी 256 बिट, सी 64 बिट, या डी 356 बिट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 128 बिट। क्वेश्चन नंबर 32, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ? ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर बंडल्स, बी वेब पेज, सी वेबसाइट, डी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज अ वेब नेटिव प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए SLIP, बी TCP/IP, सी HTTP, डी PPP। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 34, WW इज इन्वेंटेड बाई? ऑप्शन ए टॉम बर्नर्स ली, बी टिम बर्नर्स ली, सी टाइक बर्नर्स ली, या डी ट्यूम बर्नर्स ली। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 35, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज? ऑप्शन ए बिली गेट्स, बी मार्क जुकरबर्ग, सी ब्लेज पास्कल, डी रे टॉमिलसन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी रे टॉमिलसन। क्वेश्चन नंबर 36, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज? ऑप्शन नंबर ए ई सेलिंग एंड बाइंग, बी ई ट्रेडिंग, सी ई फाइनेंस, डी ई कॉमर्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 37, SGML स्टैंड फॉर? ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, बी स्ट्रक्चर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, सी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मैपिंग लैंग्वेज, डी स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लिंक। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 38, टेलनेट इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शन नंबर ए FTP, बी साइबर क्राइम, सी रिमोट लॉगिंग, या डी बोथ ए एंड बी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी रिमोट लॉगिंग। क्वेश्चन नंबर 39, बाय नाउ पे नाउ इज कॉमनली यूज्ड फॉर? ऑप्शन नंबर ए वीजा कार्ड्स, बी वॉलेट कार्ड्स, सी क्रेडिट कार्ड्स, डी डेबिट कार्ड्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए वीजा कार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 40, टेलनेट प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू? ऑप्शन नंबर ए पोर्ट नंबर 21, बी TCP पोर्ट नंबर 23, सी पोर्ट नंबर 22, या डी पोर्ट नंबर 24। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी TCP पोर्ट नंबर 23। और यहाँ पे कुछ और पोर्ट के नंबर भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो है पोर्ट नंबर 80, एंड SMTP का पोर्ट नंबर है 25, और डोमेन नेम सिस्टम DNS का पोर्ट नंबर है 53, एंड IP एड्रेस का डोमेन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 41, अ प्रोग्राम ईदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड? ऑप्शन ए विकी, बी ब्रॉडकास्ट, सी वोडकास्ट, डी पॉडकास्ट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी पॉडकास्ट। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडिंग आर अवेलेबल इन HTML? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी 6, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, एंड HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लाइंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? ऑप्शन ए बीबी स्क्रिप्ट, बी जावा स्क्रिप्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी पर्ल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 44,
डैश रेफर टू द ईमेल दैट अपीयर्स टू हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन सोर्स व्हेन इट वाज एक्चुअली सेंट फ्रॉम अनदर सोर्स. ऑप्शन नंबर ए ईमेल बॉम्बिंग, बी ईमेल स्पूफिंग, सी ईमेल स्पैमिंग या डी ऑल ऑफ दीज. जहां पे अगर कोई पर्सन जो है किसी चीज को प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है तो उसे हम ईमेल स्पूफिंग कहते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेके बात हो रही होती है वहां पे हम उसे फिशिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 45, फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट. ऑप्शन नंबर ए अनऑथराइज्ड एक्सेस, बी वायरस अटैक, सी डाटा ड्रिवन अटैक्स, डी फायर अटैक्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए अनऑथराइज्ड एक्सेस. क्वेश्चन नंबर 46, पीजीपी प्रेटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड इन. ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर सिक्योरिटी, बी ईमेल सिक्योरिटी, सी एफटीपी सिक्योरिटी या डी नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ईमेल सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 47, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स अ नेटवर्क विद. ऑप्शन ए प्राइवेसी, बी ऑथेंटिसिटी, सी इंटीग्रिटी, डी नॉन रिपुडेशन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए प्राइवेसी. क्वेश्चन नंबर 48, एन इन्वर्टर इज आल्सो कॉल्ड विच गेट. ऑप्शन नंबर ए नॉट, बी और, सी एंड, डी नैंड. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए नॉट. क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी टाइप ऑफ SQL कमांड्स आर देयर. ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 4. क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए SQL स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर ए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, बी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL या सी डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL. ऑप्शन डी ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL या ई डाटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई डाटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो कोई भी SQL की कमांड्स नहीं होती है. यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आज के कंप्लीट हो चुके हैं. और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें.